वैल well, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक मेरे दिल के थोड़ा ज़्यादा करीब है आप कहेंगे सर पीछे तो एडवांस टैक्स लिखा और आप कह रहे हैं दिल के करीब है मैं आपको बताता हूं क्या हुआ 2018 के अंदर मुझसे कुछ लोग मिलने आते हैं अब डेफिनेटली वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं थे उससे भी एक हायर डिपार्टमेंट से लोग आए थे मुझसे मिलने मेरी जो आज वाइफ है उसके घर वाले मिलने आए थे और तकरीबन दस से ज़्यादा लोग आए थे मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में देखने के लिए लड़का क्या काम करता है कैसे काम करता है क्या सेटअप है सारी चीज़ें समझने आए थे अब मैं बहुत सारे सवालों के लिए प्रिपेयर था जैसे एक इंटरव्यू के लिए एक इंसान प्रिपेयर करता है ना तो बहुत सारे सवालों के लिए मैं प्रिपेयर था ये पूछेंगे तो ये जवाब दूंगा ये पूछेंगे तो ये जवाब दूंगा अब जब मुझसे पहला सवाल किया गया सब बैठ गए और जब मुझसे पहला सवाल किया गया उस सवाल के जवाब के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था और वो मुझसे जो सवाल पूछा गया वो ये था कि बेटा अभी इस महीने एडवांस टैक्स की डेट गई है आपने इस बार कितना एडवांस टैक्स भरा इस महीने अब मैं इस सवाल के लिए प्रिपेयर नहीं था डेफिनेटली मैंने बोला कि मेरा सीए सारी चीज़ें देखता है बट मैं आपको जेनुअनली बता रहा हूँ इससे पहले उस दिन से पहले मैंने एडवांस टैक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया था बट उसके बाद मेरे अंदर से क्यूरोसिटी जग गई कि यार ये एडवांस टैक्स किस हिसाब से कितना कैलकुलेट होता है ये एक बार सीखा तो हो जाए समझा तो हो जाए टैक्स भरना है टैक्स हम भरते हैं हर बार भरते हैं जीएसटी की बात भी करेंगे आगे वाली आने वाली वीडियोस में तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बट एडवांस टैक्स आप कितना भरते हो आपने इस बार एडवांस टैक्स इस क्वार्टर का कितना भरा है आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन और मुझे नहीं पता कि किसी भी लड़के से उसके शादी के इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया होगा बट अब एक सवाल मैंने दे दिया तो बहुत सारे लोग क्योंकि बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है यार आप जो बोलोगे उससे सारी आपकी पिक्चर सामने आ जाएगी सो so, ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन था और मुझे अब पता लगा और बहुत सारे लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें अपने घर में कोई ना कोई रिश्ता करना है भाई बहुत अच्छा सवाल मिल गया आपको किसी भी लड़के से पूछने के लिए या घर वालों से पूछने के लिए कि एडवांस टैक्स कितना भरा है अब क्या मतलब है इसे समझते हैं सिंप्लीफाइड मैंने लिखा है तो सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा क्योंकि देखो मैं चार्टेड अकाउंटेंट तो हूं नहीं मैं तो एक बिजनेसमैन हूं सो एज बिजनेस मैन मैं चीजों को जैसा समझता हूं मैं आपको बिल्कुल वैसा समझाने वाला हूं डेफिनेटली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक तो आप किसी सीए से जरूर कंसल्ट कीजिएगा क्योंकि आई होप आप इस वीडियो को देख रहे होंगे बिकॉज यू मस्ट बी फाइलिंग सम एडवांस टैक्स और आप टैक्सेस के ऊपर कंसर्न भी होंगे तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी देखो एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स एडवांस में देना अभी तक जब हमारी आई कम होती है हम साल में एक बार आई फाइल कर देते हैं और हमें लगता है कि भैया थोड़ा बहुत जो टैक्स बनेगा हम भर देंगे एंड दैट इज़ इट जब मेरी भी आई कुछ लाखों में थी मान लो दस लाख बीस लाख के आसपास की थी एक टाइम वो भी था तो उस टाइम पे कोई मैटर नहीं करती थी ये चीज़ें बट जब आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है आपकी टर्नओवर बढ़ने लग जाती है तो आपसे गवर्नमेंट कहती है कि भाई जब तो कमा हर महीने रहा है तो हमें पैसा साल के एंड में क्यों दे रहा है जैसे ऐसे कमाते जा रहे हो वैसे वैसे हमें भी देते जाओ अब इसका मतलब क्या हुआ गवर्नमेंट आपको बोलती है कि भैया आप एज्यूम कर लो आप क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पीपल की या बिजनेस फर्म्स की या कंपनीज की जो टर्नओवर होती है उन्हें पता होता है कि भैया इस साल मैंने सौ करोड़ की टर्न करी है तो अगले साल मेरी कितनी टर्नओवर होने वाली है वो मुझे एक एस्टिमेशन है तो गवर्नमेंट क्या कह रही है तुम्हारी जो भी टर्नओवर होने वाली है और उसके ऊपर आपने सौ करोड़ का टर्नओवर किया इसके ऊपर आपने पांच करोड़ कमाया दस करोड़ कमाया आपने जो कमाया ये आपका प्रॉफिट है अब मान लेते हैं सौ करोड़ का किसी का टर्न है उसका दस करोड़ का प्रॉफिट है इसके ऊपर उसका टैक्स बनेगा अभी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हम सरचार्ज की और सेस की बात नहीं कर रहे पहले मुझे ये सब भी नहीं पता था अब मुझे सारी चीज़ें समझ आती हैं कि भैया लोगों को लगता था सर 30 परसेंट के स्लैब में आ जाओगे तो यहाँ पे 10 करोड़ का अगर प्रॉफिट है तो 30 परसेंट के हिसाब से हम बात करें तो तीन करोड़ का टैक्स लगेगा जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है ऐसा नहीं होता आपको तीन करोड़ से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है क्योंकि आपका सरचार्ज और सेस बढ़ जाता है बट अभी हम सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझेंगे अभी हमने एक करोड़ और दस करोड़ का उसमें प्रॉफिट आया प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बना तो आपको समझ आ रहा है कि किसी ने अगर दस करोड़ रुपए के आसपास कमाए तो थ्री करोड़ प्लस मैंने लिख दिया कि प्लस सर और सेस देना पड़ेगा और ये भी मुझे पता लगा आप जैसे जैसे ज्यादा कमाते हो तो वैसे वैसे आपको ज्यादा सरचार्ज देना होता है तो अगर आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती जाएगी तो आपका सरचार्ज भी बढ़ता जाएगा तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो ज्यादा कमा रहा है वो हमें ज्यादा पैसा दे ऐसा नहीं है ये बिल्कुल मत समझना कि गरीब लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता ये डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स तो सब भरते हैं एक रिक्शे वाला भी टैक्स भरता है तो टैक्स सब भरते हैं ये भी समझना जरूरी है सो so यहां पर अभी हम एडवांस टैक्स की बात कर रहे हैं अब गवर्नमेंट आपको क्या कहती है आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है एक अप्रैल से फर्स्ट अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया सो so गवर्नमेंट कहती है भैया अप्रैल मई और जून ये आपका पहला क्वार्टर है इस क्वार्टर के अंदर इस क्वार्टर का जो भी आपका लास्ट मंथ आएगा उसकी पंद्रह तारीख तो जून पंद्रह आपकी फाइनल डेट है डेड लाइन है एडवांस टैक्स की पहली किश्त भरने की सो इनकम टैक्स 1961 जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियरली मैं भैया आपको तब से अभी तक सबसे यह मैं भैया पंद्रह जून डेडलाइन है आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एडवांस टैक्स की तो यह कितनी बनेगी इसे समझ लेते हैं so, ये तो सौ करोड़ का आपका मैंने एक किसी के लिए हो सकता है। बट चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए so, सिंप्लीफाई हो जाएगा कि मेरा साल का टैक्स एक लाख बनने वाला है तो एडवांस टैक्स में मैं कितना जमा कराऊंगा गवर्नमेंट so, कहती है पहली किस्त मुझे चाहिए आपसे पंद्रह की पंद्रह का मतलब हो गया एक लाख रुपए का पंद्रह तो पंद्रह तो मुझे आपसे पंद्रह हजार रुपए अभी दे दो जून पंद्रह पर दे दो साल के एंड में आपका एक लाख का टैक्स निकलेगा गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है साल के एंड में एक लाख का निकले पचास हजार का निकले एंड का प्रॉफिट तो आपको एंड में पता लगेगा कि उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है अब आप यहां पे समझिए गवर्नमेंट ने क्या बोला आपको कि भैया एक एस्टिमेशन एक इंसान का कि वो हर साल जो भर रहा है उसके हिसाब से आप अभी से एक एस्टिमेशन लगा लो अप्रैल मई जून के अंदर आपके हिसाब से आपके पास जो रेवेन्यू आया है आप कैलकुलेट कर लो सालाना कितना होगा उसके ऊपर एक एस्टिमेटेड टैक्स क्या बनेगा जो भी आपको लग रहा है एस्टिमेटेड टैक्स बनेगा उसका पंद्रह परसेंट हमें अभी दे दो आप कहते हो मैंने नहीं दिया तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने नहीं दिया तो तो, तो के ऊपर मैं अभी आगे बात करूंगा उससे पहले मैं आपको एक बार पूरा साल का समझा देता हूं सो so, अभी हमने अप्रैल मई जून की बात कर ली वट अबाउट जुलाई ऑगस्त और सेप्टेंबर जुलाई अगस्त और सितंबर की अब आप बताइए यहां पर एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त ये हमारी पहली किश्त थी ये हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट है जो एडवांस टैक्स की दूसरी इंस्टॉलमेंट है इसकी डेट क्या होगी बिल्कुल ठीक बोला आपने सितंबर पंद्रह तो पंद्रह सितंबर हमारी डेट है एडवांस टैक्स की दूसरी इंस्टॉलमेंट की अब यहां तक गवर्नमेंट आपको कहती है जी अब आप हमें पैंतालीस दे दो परसेंट आप पहले दे चुके थे अब 30 और दे दो तो यहां तक गवर्नमेंट के पास जो भी आपका सालाना टैक्स बनेगा उसका फोर्टी फाइव परसेंट आ जाना चाहिए पंद्रह पहले दे चुके थे तीस और दे दो अब तीसरी इंस्टॉलमेंट कब बनेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर की जो आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी दिसंबर फिफ्टीन को यहां तक सरकार आपको बोलती है कि भैया हमें सेवेंटी फाइव परसेंट दे दो तो फिफ्टीन परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट तो यहां पर आप पंद्रह परसेंट दे रहे थे टेक्निकली आपने यहां पे तीस परसेंट और दिया अब इस क्वार्टर में आपने तकरीबन थर्टी परसेंट जो आपका टैक्स अमाउंट बन रहा था वो और दे दिया आपने पिछहत्तर परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट टैक्स डिपॉजिट कर देना है जो आपका बनेगा पूरे साल का एंड फाइनली यहां पर ये फोर्थ भी ले, ले लेते हैं कि आपकी जो फाइनल इंस्टॉलमेंट जाएगी वो अब ये हमारा लास्ट क्वार्टर है जो कि है जनवरी फेबर और मार्च इस क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट कब जाएगी बिल्कुल आपने ठीक बोला मार्च फिफ्टीन बट यहां पर अगर आप 30 तारीख इकतीस तारीख सॉरी थर्टी का महीना होता है तो अगर थर्टी तक भी जमा करा देते हो तो पेनल्टी नहीं लगती है ये आपको फाइनल क्वार्टर की ही डेट मानी जाती है अब पेनल्टी नहीं लगती इसका मतलब क्या है यह समझना अब जरूरी हो जाएगा आपके लिए देखिए अगर आपने नहीं भरा तो क्या होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैंने पंद्रह परसेंट नहीं भरा तो मैंने यहां पर फोर्टी फाइव परसेंट तक टैक्स नहीं भरा तो सेवेंटी फाइव परसेंट नहीं भरा तो और यहां तक मैंने हंड्रेड परसेंट नहीं भरा तो क्या क्या होगा सो so, इसे आप समझते हैं यहां पर अभी तक हम बात कर रहे थे सेक्शन टू वन वन की जिसके हिसाब से हमें डेट्स पता लग गए और क्वार्टर्स पता लग गए बट अगर हमने टैक्स नहीं भरा तो अब ये आ जाता है सेक्शन टू सी के अंडर अब इसके अंडर क्या है कि भैया नहीं भरा तो अब आप पे पेनल्टी लगेगी और वो होता है आपके ऊपर इंटरेस्ट इसे समझ लेना एक बार क्योंकि ये डिपेंडिंग आपका टैक्स कितना बन रहा है आपके ऊपर एक, एक एक्स्ट्रा बर्डन है क्योंकि मैं भुगत भोगी हूं पहले नहीं पता होता था ये सारी चीजें और मेरे केस में क्या है कि इनकम भी काफी कम टाइम के अंदर आपने देखा है कि बड़ी है तो इसका मतलब समझाता हूँ अब एक बात सोचिए ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि भैया मुझे पंद्रह परसेंट भरना है अप्रैल मई जून में उसके बाद फोर्टी फाइव परसेंट भरना है सेवेंटी फाइव परसेंट भरना है मैंने अपने सीए से पूछा है यार अगर मुझे किसी कंपनी से इकतीस मार्च को एकदम से एक करोड़ रुपए आ जाते हैं एक करोड़ रुपए की बिलिंग हो गई मेरी एक करोड़ रुपए कंपनी ने दे भी दी किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे इकतीस मार्च को तो क्या होगा मेरे साथ पहले का तो मैंने भरा ही नहीं उस केस में क्या होगा बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं स्टार्टिंग में इनकम नहीं हुई बीच में इनकम हो गई तब क्या आपको टैक्स गवर्नमेंट कहती है हमें पहले से पता होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से कि तुम्हें पैसे कितने आएंगे अब ये सही है गलत है आई डो नॉट नो बट आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कितना निकलेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अब हमारे ऐसे लोग जो भी हैं या जिन्होंने अभी अपने बिजनेस शुरू करे हैं डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हमें एक लेवरेज मिल गई और एक ही साल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बट आपको समझना जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर क्या है मैंने ये वाली जो इंस्टॉलमेंट थी एडवांस टैक्स की मिस कर पंद्रह परसेंट भरा ही नहीं मैंने तो मुझे पंद्रह हजार रुपए भरने थे जब मुझे एक लाख रुपए का टैक्स देना था मैंने नहीं भरा तो मुझे हर महीने के हिसाब से एक परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा अब ये पंद्रह हजार है या पंद्रह लाख है या पंद्रह करोड़ है वट एवर इज द अमाउंट गवर्नमेंट आपसे महीने का एक परसेंट का ब्याज लेगी अब कुछ लोग कहते हैं ब्याज का पैसा हराम होता है गवर्नमेंट लेती है भाई सीधी बात तो यहां पे एक परसेंट की पेनल्टी लगेगी अगर आपने तीन महीने आप तीन महीने छोड़ो आप पंद्रह तारीख भूल गए आपने सोलह तारीख को जाके पैसा जमा करा दिया गवर्नमेंट कहेगी कि तीन महीने का ब्याज चाहिए सोलह तारीख को डेडलाइन मिस मतलब मिस एक दिन का नहीं तीन महीने का ब्याज देना पड़ेगा समझ रहे हो बात को? अब यहां पे एक परसेंट पर मंथ है ये, ये पे लगेगा, आपकी इंस्टॉलमेंट पे, और वो पूरा ही है आगे समझते हैं अब यहां पर समझने का बात क्या है कि अब अगली बार मैंने ये तो भराई नहीं पंद्रह हजार अगली इंस्टॉलमेंट की भी डेट आ गई पंद्रह सितंबर आ गई मुझे फोर्टी फाइव परसेंट गवर्नमेंट को दे देना था टेक्निकली मतलब एक लाख का फोर्टी फाइव थाउजेंड गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए पंद्रह हजार तो मैंने पहले नहीं भरा और जो अब मुझे तीस हजार भरना है अब क्या होगा अगर मैं सोलह तारीख को जागता हूं सोलह सितंबर को सोचता हूं चलो अब भर देता हूं तो गवर्नमेंट कहेगी भाई साहब यहां से अप्रैल से लेके सप्तम्बर तक इस पंद्रह के ऊपर छह महीने का तो मुझे ब्याज दे दो सिक्स मंथ का इंटरेस्ट दे दो वन पर मंथ के हिसाब से और तीस हजार पे सिर्फ तीन महीने का ब्याज लगेगा क्योंकि ये पहले भरने ही नहीं थे तो जुलाई अगस्त सितंबर इस पे मुझे तीन महीने का ब्याज चाहिए इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे होती है सो पहले के जो पंद्रह हजार है उसके छह महीने हो गए और इसके सिर्फ तीन महीने हुए अगर आपने अभी भी भर दिया तो नहीं भरा आपने ये भी नहीं भरा अब आ गए आप तीसरे क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट uh, पे यहां पर आपको 75 परसेंट तक भर देना था तो अब क्या होगा यहां पे जो पंद्रह हजार थे इस पे नौ महीने का आप ब्याज देंगे तीस हजार पे आप छह महीने का ब्याज देंगे और जो बचा हुआ तीस हजार और देना था इस पर आप तीन महीने का और ब्याज देंगे अब ये पंद्रह हजार तीस हजार तीस हजार तो मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं जो लोग एडवांस टैक्स भरते हैं उनके टैक्स बड़े होते हैं भाई और बड़े टैक्स पे जब ब्याज देनी पड़ती है महीने का एक परसेंट आप समझ रहे हो आज की रेट में एक अच्छा बिजनेसमैन अपनी कैपिटल पे तीन परसेंट कमा रहा है जो तीन परसेंट ज्यादा कमा रहा है तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहा है तीन परसेंट की कमाई है दो परसेंट की कमाई है एक परसेंट तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है अगर आप एडवांस टैक्स को भूल जाते हो मिस कर जाते हो तो इसके आगे भी बता देता हूं फाइनल इंस्टॉलमेंट पर हंड्रेड भरना था नहीं भर रहा तो भैया पंद्रह पे तो साल का ब्याज लगेगा ये जो आपका नौ महीने का था यह बारह महीने हो जाएगा यह आपका यहाँ पे नौ महीने हो जाएगा तीन महीने छह महीने हो जाएगा और ये लास्ट जो आपको भरना था जो कि ऑलमोस्ट पच्चीस हजार रुपये था अगर एक लाख रुपए का हमारा टैक्स बन रहा था सो इस पच्चीस हजार रुपये तीन महीने का ब्याज लगेगा हमारा अब यहाँ पे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टू थर्टी फोर सी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपसे इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकती अब ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये नहीं भरा तो अब मेरा पंद्रह हजार भी और ज्यादा महीने बढ़ेंगे फिर ऐसा नहीं होगा इसके बाद सेक्शन चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई कर ली थी क्योंकि भाई आपको पता ना वाइफ के घर वालों ने पूछा तो थोड़ा पढ़ लिया उसके बाद से हम एडवांस टैक्स टाइम पे बढ़ते हैं क्योंकि अब ये ब्याज देना नहीं कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ करना है अपने अगेंस्ट में यूज़ नहीं करना बट एक चीज़ और होती है कि अगर आप जैसे टी जमा करते हुए आपका टी डी होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी लेट पैसा आता है जैसे टी का रिफंड आना लेट आ रहा है तो उस पर आपको गवर्नमेंट ब्याज लगा के पैसा देती है ये एक अच्छी चीज भी है कि अगर गवर्नमेंट लेट पैसा देगी तो आपको भी ब्याज के साथ देगी बट जब लेगी तो ब्याज के साथ लेगी तो आज इस छोटी सी वीडियो से आई होप आपको एडवांस टैक्स क्लियर हो गया होगा भाई अब इस महीने जून चल रहा है पंद्रह जून को डेट आ रही है एडवांस टैक्स की जितने लोगों का एडवांस टैक्स बनता है भर दो भाई टाइम पे देश की तरक्की के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं अच्छी बात क्या है कि मुझे स्टार्टिंग में ना बड़ा दुख होता था तकलीफ होती थी जब टैक्स भरता था मैं तो बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि यार स्टार्टिंग में जब आप नया नया कमाना शुरू करते हो पैसा आता है और आपको टैक्स भरना पड़ता है आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार हम कमा रहे हैं उसमें से मोटा मोटा आधा पैसा तो हम टैक्स में दे देते हैं अब आधा मैंने आपको अभी सरचार्ज चार्ज नहीं बताया वो समझ आएगा दर्द समझ आएगा आपको मेरा जवा आप भी थोड़ा सा और ग्रो करते जाओगे और बाकी कई सारे लोग हैं जो ग्रो कर चुके हैं उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ भाई तो आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे बड़ा दुख होता था कि टैक्स बन रहा है इतना टैक्स भरना है तो मुझे किसी एक सज्जन ने बोला भगवान करे तेरे को सौ करोड़ का टैक्स देना पड़े और वो भी एडवांस टैक्स में देना पड़े भगवान करे तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे क्योंकि टैक्स वो इंसान दे रहा है जो कमा रहा है जो कमा नहीं रहा वो डायरेक्ट टैक्स तो दे रहा है इनडायरेक्ट तो छोड़ेगी नहीं गवर्नमेंट फिर भी इनडायरेक्ट तो लगेगा ही लगेगा कहने का मतलब है कि अच्छी बात है कि अगर आप टैक्स दे रहे हो तो बुरा मत मानो आपकी प्रोफाइल बन रही है जो कि एक अच्छी चीज़ है अगर आपको कल को किसी भी लोन की जरूरत होगी तो डिपेंड यही आप किया जाएगा कि भैया टैक्स कितना भरते हो आई कितने की कि, ये सारी चीज़ें आपकी एक प्रोफाइल बनाती है एंड ओवरऑल देश के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने लिए अच्छा कर रहे हो एंड आई होप आई सर्व यू इन सम समवेज देखिए अगेन आई विल से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट आप किसी अच्छे सीए से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको फिर भी एडवांस टैक्स के ऊपर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो फाइनली एक पॉइंट रह गया था कि अगर आपको आखिरी दिन पर भी इनकम आती है तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको ये पहले कैलकुलेट करना चाहिए था आपकी गलती है कि आखिरी दिन इनकम क्यों हुई बेटर होता है कि अगर कोई लास्ट टाइम पे अगर आपको इनकम दे रहा है या फिर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसे एडवांस में भी दिखा सकते हो अगर वो बिल एक तारीख को जनरेट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर की इनकम हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग आपको कहां से इनकम आ रही है आपको जहां से भी इन रेज हो रही है तो वो लास्ट टाइम पर ना किया जाए बेटर रहता है बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने लास्ट टाइम पर भी इनकम बुक करी तो आपको जो एज पर माई एक्सपीरियंस आपको जो एडवांस टैक्स भरे भरना पड़ेगा वो आपका हर क्वार्टर का एक तरीके से मिस हो गया है so, सो जो आपको सालाना पेनल्टी लगती है वो लगेगी यहां पर भी इसके साथ ये बात इंपॉर्टेंट है कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हैं तो बात ये नहीं कि एक लाख का पांच लाख हो गया अगर वो हो गया और वो पड़ा हुआ है तो एक अलग चीज है बट अगर आपने सेल कर दिया तो सेल करने के बाद चाहे आपने वॉलेट से विड्रॉ करो ना करो सेल का मतलब है कि प्रॉफिट बुक हो चुका है लॉस अगर आपने सेल कर दिया लॉस में तो लॉस बुक हो चुका है बट लॉस तो आपको मिलता नहीं है क्रिप्टो के ऊपर फाइनली अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट होने का मतलब यह नहीं कि एक लाख का पांच लाख हो गया अगर वो पड़ा हुआ है तो फिर वो पड़ा हुआ है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन चल रही है अभी बट अगर आपने उसे बेच दिया चाहे आपने अपने वॉलेट से पैसा विड्रॉ नहीं भी किया बेचने का मतलब ही यह है कि प्रॉफिट हो चुका है आपको टैक्स भरना पड़ेगा एंड सेम गोस फॉर अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी पांच करोड़ की दस करोड़ की बेची पांच करोड़ का प्रॉफिट हुआ पांच करोड़ का प्रॉफिट हुआ जिस महीने हुआ उसी महीने एडवांस टैक्स भरना है उसी महीने गवर्नमेंट कहती खत्म तो हो गया आ तो गया प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया इस पर भर दो इस पर कोई सीन ही नहीं है इस पर कोई खर्चा तो मिलेगा नहीं कोई खर्चा मिलेगा नहीं तो कुछ चेंज होना नहीं है इसी महीने टैक्स दो सिमिलरली आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ड्रीम इलेवन से और पता नहीं कहां कहां से भी पैसे आ जाते हैं और वो बड़े पैसे भी हो सकते हैं कोई लॉटरी भी लग सकती है आपकी अगर आपको लॉटरी लग जाती है आप कौन बनेगा करोड़पति से कुछ जीत रहे हैं कहीं से भी आपको एकदम से पैसा आ गया और अगर आ गया बात खत्म है उसी महीने आपको एडवांस टैक्स भरना होता है सो दिस इज एज पर माई ओन एक्सपीरियंस बाकी यू कैन कंसल्टर सी है फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो कुछ सवाल हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं उन सवालों का जवाब दे सकता हूँ तो मैं कॉमेंट्स में जरूर रिप्लाई करूँगा या फिर उन uh, टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूंगा सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन द कॉमेंट्स बिलो फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए बेलेकन पर क्लिक कीजिए यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे ये इनफॉर्मेशन ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे आ वी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल टाइम यू गो मेड